गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। चलिए डिस्कस करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बिफोर आई स्टार्ट, जैसे रोज की तरह जो स्टूडेंट्स आंसर भेजते हैं, तो बेस्ट आंसर्स किसके हैं? देखो, आज के समय में अगर आप देखोगे, मतलब आज के समय में क्या, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कुछ जो नाम हैं वो बार बार आपके आ रहे हैं। मतलब बेस्ट आंसर्स की कैटेगरी में आपके कुछ नाम आपके बार बार आ रहे हैं, जैसे अलीफा का नाम आ रहा है और रोनिका का भी आ रहा है, मैत्री का भी आ रहा है, ठीक है। पार्थ हैं एक स्टूडेंट, उनका भी अच्छा आंसर है, बट वो थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन करना ज़रूरी होता है आंसर राइटिंग के लिए, है ना। विशाल हैं, मनीष है, मनीष भी अच्छा आंसर लिख रहे हैं, बट कुछ दिन लिखे कुछ दिन छोड़ देते हैं। उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, रमित है, वो लिखना आई थिंक अब पहले तो काफ़ी लिखा, फिर उसके बाद छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं, राहुल हैं। तो कोशिश आप लोगों को करना है कि लिखते रहो, लिखना इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप अफोर्ड कर सकते हो डेली बेसिस पे, कि आप एटलीस्ट एक आंसर लिख सकते हो। देखो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर लो, अगर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को हमें समझना है। तो जो सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रायोरिटी में है, आप उसको कितना समय दे रहे हो, एटलीस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स तो आप दे ही सकते हो। डेली बेसिस में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसको ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इंश्योर करो कि आपका नाम भी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आए, इस चीज़ को अपने माइंड में लेकर आना है। ये एटलीस्ट ये छोटा सा एम माइंड में आप रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आवर प्लस प्लेटफॉर्म। तो देखो, फर्स्ट फेब से आई एम लॉन्चिंग ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, मैं लॉन्च कर रहा हूँ जो मंथली करंट अफेयर्स है। और 15th फेब से एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आ रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स, ठीक है, प्रीलिम्स 2020 के लिए। तो आप में से सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, बट प्रीलिम्स एक बड़ा हर्डल हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन करो, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टैटिक टॉपिक भी कवर होगा, अराउंड 1000 टॉपिक्स आपके कवर होंगे, ठीक है। तो ये अगर आप कर लोगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, इन द सेंस कि प्रीलिम्स क्लियर करना जो है वो जरूरी है, तभी आप मेंस का भी फायदा उठा पाओगे। मतलब आपकी राइटिंग स्किल अगर अच्छी है, ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है नीचे, उसको क्लिक करो। 2020 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको चूज करो, 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको चूज करो, SPLive रेफरल कोड यूज करो, SPLIVE, ठीक है, SPLIVE। जैसे ही आप इसको यूज करोगे, अमाउंट 10% से रिड्यूस हो जाएगा, और आप मेरे कोर्सेज के अलावा दूसरे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, है ना, GS 1, 2, 3, 4, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, दूसरे कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं, तो पूरे प्लेटफॉर्म को आप पूरे साल तक देख सकते हो। मतलब पूरे दूसरे जो कोर्सेज हैं वो सभी आपके लिए फ्री होंगे, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें एंड स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अडॉप्टेड टू एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो देखो, ये टॉपिक हमने मतलब ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक सेपरेट सेशन भी है इस टॉपिक के ऊपर, आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसको आपको जरूर से देखना है। उसमें आपका आर्टिकल 168, आर्टिकल 169, ये दो आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा कि इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्रिटिसिज्म क्या है, व्हाट इज व्हाई इट इज क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म क्या है, तो ये चीजें आपको जानना चाहिए। व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिकल 169, तो 169 आर्टिकल आपको क्या प्रोवाइड करता है, इसको नोट डाउन कर लो। 169 आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ LC, ये आपका 169 बताता है। 168 देखोगे, ये कहा जाता है कि जो लॉ है, लॉ रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड जो लॉ है वो पार्लियामेंट पास करता है, ठीक है। और ये पार्लियामेंट तब पास करेगा, है ना, चाहे वो एबोलिशन का हो या क्रिएशन का, उससे रिलेटेड लॉ आपका पार्लियामेंट लेकर आता है। कब लेकर आता है, जब 2/3 की मेजोरिटी से जो रिजोल्यूशन है इसके एबोल्यूशन या क्रिएशन के लिए वो पास किया जाता है, किसके द्वारा, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये रिजोल्यूशन पास किया है, 151 जो है आपके जो जगन रेड्डी की सरकार है इस समय, तो ये इनकी अगर आप देखोगे, आउट ऑफ 175 लेजिस्लेटिव असेंबली आंध्र प्रदेश के जो टोटल मेंबर्स है, उनमें से 151 मेंबर्स इस पार्टी के हैं, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट की पार्टी है, तो 151, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है। 130 प्लस लोग ने वोट किया कि इसको ख़त्म करना चाहिए, और इसके बाद 2/3 से ज़्यादा हो गया ये, और अब जो है पार्लियामेंट इसको एबॉलिश करेगा।
ठीक है, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके पर्पस की बात करूँ, इंपॉर्टेंस क्या है, देखो बहुत सारे, जैसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई कि इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये एक पॉइंट जो ये बोला गया कि है ना, ये डिबेट को प्रमोट करेगा, डिबेट को प्रमोट करेगा, और दूसरा बोला गया जो वर्क है वो वर्क शेयर किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के। दूसरा ये भी कहा गया कि बेसिकली डिबेट होगा, वर्क शेयर किया जाएगा, और ऐसे लोग जो मतलब इलेक्ट होकर नहीं आ पा रहे हैं वो उसका पार्ट बन पाएंगे, तो ये हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भी हेल्प मिलेगी, उनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ हमें काम में आएगी, ये एक रीज़न है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हैस्टी एक्शन है, मतलब जल्दबाजी से कोई आपने लॉ बना के लेकर आ रहे हो, जैसे अभी जगन रेड्डी कर रहे हैं, तीन कैपिटल बनाना है, बहुत सारे ऐसे लॉज लेकर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि क्योंकि TDP लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसके 27 मेंबर है, 27 मेंबर्स हैं है ना, आई थिंक 57 के आसपास, उसका एक बार आप चेक करना, 57 टोटल है वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल के टोटल मेंबरशिप, उसमें 27 आपका TDP के है, जैसे चंद्रबाबू नायडू जी है ना, वो उसी में है। तो आप ये समझो कि वो अगर लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लाया जाएगा तो उसे 3 महीने के लिए डिले किया जा सकता है, 1 मंथ 2 मंथ के बेसिस पे आपका 3 महीने एडवांस डिले किया जा सकता है, तो हेस्टी एक्शन को रोका जा सकता है, मतलब किसी भी प्रोसेस में अगर ये है, और दूसरा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का उपयोग, मतलब उनके एक्सपीरियंस जो मैं इलेक्शन नहीं जीत पाते तो उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो इसको क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, इसका ये है कि इसमें ये एक पार्किंग एरिया बन गया है, मतलब कैसे कि जो इलेक्शन जीत नहीं पा रहा है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, फिर क्या है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो आपका डिले होता है। अभी ऑपोजिशन आप सोचते हो कि जैसे अगर आप आइडियल वे में सोचो कि ऑपोजिशन आपको जो है अच्छे पॉइंट्स देगी, फिर आप उसको इंक्लूड करोगे, फिर आप अच्छा लॉ बनेगा, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, ऑपोजिशन उस लॉ को पास होने ही नहीं देती है, ठीक है, ये कोई भी पार्टी ऑपोजिशन में हो उसका काम आजकल यही है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि लॉ तुरंत पास होना चाहिए, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होना चाहिए, तो वो फिर मीट नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये क्रिटिसिज्म भी जो है किया जाता है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस आपका डिले होता है और एक पार्किंग सा बन गया है ऐसे लोगों के लिए जो इलेक्शन जीत नहीं पाते, तो उनको वहाँ पे बना के फिर मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ये कुछ एरियाज हैं जो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर याद रखने हैं, क्वेश्चंस जो है फ्रेम किए जा सकते हैं, है ना, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन जरूर से किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लो इंटेंसिटी क्वेक अर्थक्वेक मतलब हिट्स लद्दाख रीजन। अब देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो है आपका लद्दाख रीजन है, मतलब आप सभी को पता है कहाँ पे है, कितने लोग इससे अफेक्ट हुए, कितना नुकसान हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आया, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी न्यूज़ आई हुई है द हिंदू के अंदर, बट फिर भी आपके लिए ये GS पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप एक सेक्शन देखोगे जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल फेनोमेना। अच्छा, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पेपर बता दो, तो ये पॉलिटी के लिए है, ये आपका ज्योग्राफी के अंदर आएगा ये टॉपिक, ठीक है। अब हम इस न्यूज़ से जो डिराइव, जैसे मान लो एक प्लेट ये इस टाइप से है, इस टाइप से गई अंदर, है ना, और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। होता क्या अर्थक्वेक में कि ये जब प्लेट नीचे की तरफ जाती है, वी कॉल इट एज सबडक्शन। अब यहाँ पे ये स्टक कर जाएगी, जैसे ऐसे मानो कि इस टाइप से स्टक कर जाएगी, ठीक है। अब ये फोर्स के साथ, जैसे कोई इलास्टिक को अगर आप खींचो तो जितना इलास्टिसिटी होगी, मतलब जितना वो स्ट्रेच हो सकती है वो उतना स्ट्रेच होगी, और एक समय में बात क्या होगा, एकदम से रिलीज हो जाएगी। तो कुछ प्लेट्स में भी यही प्रॉपर्टी होती है, जब प्लेट्स मतलब एक बार ऐसा स्टक कर गई तो वो ऐसे, क्योंकि फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो एकदम से नीचे की तरफ जाएंगी, फिर एकदम से जब ये जहाँ से ये होल्ड हुआ है ये छूटेगा, तो वो जो है ऐसे हिलेगा, ठीक है, मतलब डिस्टर्बेंस कॉज होगा। अर्थक्वेक में सेम सी चीज़ें होती हैं, जब दो प्लेट्स आपकी कन्वर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन दो प्लेट्स आपकी, जो आप इस न्यूज़ से डिराइव करोगे, स्टैटिक न्यूज़ से, मतलब स्टैटिक टॉपिक जो डिराइव करोगे आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीकर सीक्स टू स्टॉल EU डिबेट ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के लिए जरूरी है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या होता है, ठीक है, ये हम पूरे इशू से डिराइव कर सकते हैं। अब इसका ये है, अच्छा लेट मी नो कि हमारे स्पीकर का नाम क्या है, इस समय लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका नाम क्या है।
अब देखो जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा, किसको कहा, आपके यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन बेसिकली आई थिंक 30th जनवरी को वो एक रिजोल्यूशन लेके आ रहे हैं कश्मीर इशू पर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात जरूर है कि किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स जो है क्या उन पर ईयू के पार्लियामेंट, देखो क्या है यूरोपियन यूनियन में आपके 28 देश हैं, 28 देश हैं। अब इनको गवर्न करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, इसमें से एक आपका ईयू पार्लियामेंट भी है और ये आपका ब्रसेल्स में है, दिस इज इन ब्रसेल्स, ये जो है आपका ब्रसेल्स के अंदर है और यहाँ पे रिजोल्यूशन लेकर आया जा रहा है, ठीक है, रिजोल्यूशन जो है लेकर आया जा रहा है रिलेटेड विद कश्मीर एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब क्या किसी मतलब जो स्पीकर ने लेटर भी लिखा उनको कि देखो हम पार्ट हैं, क्या कहा गया, हम पार्ट हैं लेजिस्लेचर का, मतलब इंडियन लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट है लोकसभा है वो भी लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करता है, ईयू का जो पार्लियामेंट है वो भी लॉ बनाने का काम करता है और हम पार्ट है किसका, हम पार्ट है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। तो एक लॉ जो एक लेजिस्लेचर ने पास किया है आप उसके खिलाफ लॉ लेकर क्यों आ रहे हो, ये एक क्वेश्चन है। तो हम क्या है, हम पार्ट है, वी आर पार्ट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। व्हाट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इट इज अ ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन 1889 बाय फ्रांस एंड विलियम रंडाल क्रीमर यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट परमानेंट फोरम फॉर पोलिटिकल मल्टीलेटरल नेगोशिएशन, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ 178 कंट्रीज, ये इसका पार्ट है ना। तो मतलब ये समझो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स मिलते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं अलग अलग इश्यूज जो इंपॉर्टेंस के होते हैं। और यहाँ पे जो लेटेस्ट तीन मेंबर्स हैं कौन कौन सी हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और वनुआतू, ठीक है। तो आपके कौन कौन से हैं, तुर्कमेनिस्तान आपका, उज्बेकिस्तान और वनुआतू, ये तीन आपके लेटेस्ट एडिशन है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर, ठीक है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर ये तीन आपके हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और वनुआतू। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब ये कल भी हमने डिस्कस किया था, तो कल का सेशन एक बार देख लेना। ईयू में हमने ये डिस्कस किया था कि क्या उसके पास ये राइट है कि नहीं है, इसका क्या इंपैक्ट होता है, कई सारे ऐसे इश्यूज हैं, चाहे चाइना में अगर आप देखो, चाहे वो उइगुर मुस्लिम्स का है, रोहिंग्यास का है, तो क्या उन इश्यूज को भी उठाना जरूरी है कि नहीं, ये सारे मतलब एक ये हमें समझने की बात है कि किसी भी देश के इंटरनल मैटर पर ऐसे रिजोल्यूशन लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता, तो ये एक डिबेट आपका शुरू हो जाता है। तो इस पर हमने कुछ समय पहले अगर आपको याद हो एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल डिस्कस किया था, इसलिए मैं आपको कहता हूँ रेगुलर बेसिस पे क्लास करना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज एक दिन का मिस हुआ तो हो सकता है दो तीन टॉपिक आपके मिस हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था रिलेटेड विथ ह्यूमन राइट्स, और उसमें ये कहा गया था कि जो ह्यूमन राइट्स है वो आप आज के समय में बाउंड्री के अंदर बांध नहीं सकते, किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर आप उसको बांध नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी देश उसका पार्ट है, तो अगर कहीं भी ये वायलेशन इसका होता है ना, ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो फिर क्या होगा, तब हम उस इशू को सिर्फ एक सोवरेनिटी का इशू या इंटरनल मैटर नहीं ले सकते हैं, वहां पे फिर उस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर रेस किया जाएगा। बट ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन क्या ये जो अगर वायलेशन होता है तो उसको आप सेलेक्टिवली चूज करते हो, या फिर उन देशों में, हर एक देश में जहां पे जो देश इन्वॉल्व है, चाहे चाइना है, यूएसए है, यूरोपियन देश अगर इन्वॉल्व है, उनके 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 द्वारा जो कई कदम उठाए जाते हैं उनके खिलाफ भी आप कोई कदम उठाते हो, तो यहां पे हम बात करते हैं कई बार इसी वजह से जो ट्रस्ट है डेवलपिंग देशों के अंदर, जो ट्रस्ट है रिलेटेड विद दीज इंस्टीट्यूशंस वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और ब्रिक्स जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस भी बना रहे हैं अलग अलग, अगर चाहे IMF का अल्टरनेटिव देखो, चाहे वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव, NDB बैंक हो गया, CRA हो गया, इस टाइप से अल्टरनेटिव बना रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों का रेस्पेक्ट किया जाए, और अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो उसको सेलेक्टिव वे में ना उठा के जो रेलिवेंट वे है उस वे में उठाना जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने। अगर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करें, प्रीलिम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, इट इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल पार्लियामेंट्स, अलग अलग पार्लियामेंट्स इसका पार्ट है, 178। क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, देखो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आंसर लिखते हो, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज, वर्किंग विथ पार्लियामेंट्स पार्लियामेंटेरियंस टू आर्टिकुलेट
है ना, एंड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. तो देखो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज, वर्किंग विद द पार्लियामेंट्स, ये आपका काम किया जा सकता है. तो इन सब का मतलब आप सभी को पता भी होगा, है ना. उसके बाद क्या है, पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, यूथ एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग, कोऑपरेशन, पार्लियामेंट्री एक्शन. तो देखो ये वर्डिंग्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ये वर्डिंग्स जो है आप जब आंसर लिखते हो तो याद नहीं आता है, इसलिए इनके क्या है कि आपका एक वोकैब आपको डेवलप करके रखना चाहिए, है ना. एक डायरी टाइप बना लो और कई छोटे मोटे जो देखो जब आंसर लिखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही कोई डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो यूज़ करने हैं तब आपके आंसर अच्छा है, ऐसी गलती नहीं करनी है. सिंपल वर्ड्स है. अभी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए आपको कोई डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को इसका मतलब पता है, एम्पावरमेंट का मतलब सबको पता है. तो बट ये जो वर्ड्स हैं आंसर लिखते समय हमें यही याद नहीं आते, तो आप एक वोकैब बना सकते हो और मतलब एक डायरी टाइप बना सकते हो, उसमें ऐसे वोकैब प्रिपेयर कर सकते हो. तो चाहे वो आईआर से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, तो वो अगर आपके सभी से रिलेटेड 50-60 ऐसे वर्ड्स होंगे उसका आंसर लिखते समय आप यूज़ कर सकते हो और वो आपके आंसर को बेटर करेगा. ये छोटी छोटी चीज़ें होती है. नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट स्वीटेंस एयर इंडिया ऑफर पुट 100% स्टेक ऑन द टेबल. ठीक है, तो सरकार ने एयर इंडिया को एक तरीके से आप ये मान लो ये डिसाइड कर लिया है कि हम उसको बेचेंगे. ठीक है, मतलब 100% जो स्टेक है वो प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए सरकार तैयार हो गई. इन इट्स न्यू अनाउंसमेंट द गवर्नमेंट हैज़ ईज्ड द कंडीशंस फॉर प्रोस्पेक्टिव बायर कंपेयर टू इट्स प्रपोजल इन 2018. एयर इंडियाज फ्लीट कंसिस्ट ऑफ 146 एयरक्राफ्ट, 56. अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इस पर आई विल ऑल्सो क्रिएट, मतलब एक आपका इस पर सेपरेट सेशन भी आएगा और एक बोडो क्राइसिस पर भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंड आई विल ऑल्सो क्रिएट अ सेपरेट सेक्शन ऑफ बोडो क्राइसिस. ठीक है, तो कल मैंने आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का एक सेपरेट सेशन क्रिएट किया था, छोटा सा ही था, 16-17 मिनट का, तो वो आप देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है वो. तो कई टॉपिक्स क्या होते हैं कि उस टॉपिक को हमें डिटेल में और एनालाइज करने की जरूरत हो जाती है, तो आई टेक दो सेशन सेपरेटली, तो आपको उनको भी मिस नहीं करना है. अब यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स न्यूज़ में आ जाते हैं, मेनली आपका डिसइन्वेस्टमेंट, उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ आपका न्यूज़ में आ जाता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि एयर इंडिया का लॉस क्यों हो रहा है ना, एयर इंडिया में इतना लॉस क्यों हो रहा है, तो मतलब लॉस के रीजंस क्या क्या हैं. तो लेस इनकम इन पैसेंजर रेवेन्यू, लो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स, प्रॉपर एयरक्राफ्ट की नॉन अवेलेबिलिटी, ऑल्दो अब तो जो है अच्छे एयरक्राफ्ट ले लिए गए हैं. उसके बाद मिसमैनेजमेंट इन ग्रांटिंग बायलेटरल एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्रीज, है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है. और लॉस मेकिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस, इंटरनेशनल ऑपरेशन भी प्रॉफिटेबल नहीं है, मैन पावर का प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं है, है ना, तो वो भी एक जरूरी हो जाता है. डिले हो गई फ्लाइट, वहाँ पर अगर आप कभी भी एयरपोर्ट जाओगे तो जो प्राइवेट वाले हैं उनका वो इंश्योर करते हैं कि टाइम भी आपका मिनट, ऑल दो लेट तो सब होता है, बट कोशिश ये रहती है कि डिले ना हो और विद इन एयरक्राफ्ट जो सर्विसेज है वो प्रॉपर हों, ये सारी चीज़ें की जाती हैं. और भी छोटी छोटी जो कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छा कर सके उसके लिए कदम उठाए जाते हैं, बट एयर इंडिया में वो चीज़ नहीं की जाती. ऑल्दो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरक्राफ्ट्स भी बहुत अच्छे आप बाय कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई लेवल पे क्योंकि हम कदम नहीं उठाते. जैसे अगर आप सिंपल सा इमेजिन करो कि जैसे स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, बहुत सारे ऐसे जो दूसरी कंपनीज हैं, एयर एशिया हो गया, वो लोग एडवर्टाइज़ भी बहुत करते हैं, अलग अलग जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ से उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन रहता है कि आपके गेस्ट कहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ से टिकट लेंगे, इस टाइप से मतलब उनका सिस्टम है. एयर इंडिया में ऐसा प्रयास किया नहीं जाता है क्योंकि जब वो सरकारी शब्द लग जाता है आगे तो फिर वो काफ़ी लेथार्जिक एटीट्यूड हो जाता है. तो ये सारी चीज आस्पेक्ट है. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, पहले भी सरकार ने कोशिश किया था कि इसको सेल किया जाए, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर की बात करो उनको ये था कि सरकार जो है 24% स्टेक एयरलाइन पे रखेगी. अब सरकार अगर 24% स्टेक रखेगी तो इसका मतलब क्या है कि वो काफ़ी कुछ इम्पैक्ट कर सकती है ना. जो सरकार है, अगर सरकार 24% स्टेक रखेगी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का इन्फ्लुएंस उसमें रहेगा. तो प्राइवेट सेक्टर ऐसा क्यों, कोई भी अगर काम अपना पैसा लगाएगा तो उसको तो ज़रूरत है कि वो काम अपने हिसाब से करे, कोई उसको मतलब इंटरफेयर ना करे. तो अगर सरकार का 24% स्टेक है तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी सोच रहे थे कि अगर इतना 24% स्टेक सरकार रखेगी तो हो सकता है हम इसको प्रॉफिटेबल ना बना पाए, हम अपना जो पैसा इतना लगा रहे हैं वो पैसा हमें ना मिल पाए. तो ये जो कंसर्न है प्राइवेट सेक्टर का, इसको सरकार ने ख़त्म कर दिया, अब 100% कर दिया, आओ और ले जाओ.
ठीक है, मतलब अब बिडिंग की जाएगी आई थिंक मार्च तक, फिर वो मार्च तक उसकी बिडिंग होगी, फिर वो अपना जो जो भी अच्छे बिडर्स होंगे उस बेसिस पर अलॉट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो शुरू हुआ है, द गवर्नमेंट सीकिंग टू सेल 100% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल टू द स्टेट ओन्ड एयरलाइन इंक्लूडिंग एयर इंडिया शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट ऑफ 100% इन AI एक्सप्रेस लिमिटेड एंड 50% इन एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो ये डिटेलिंग इतना इतना याद भी नहीं रहेगा, इतना जरूरत भी नहीं है, बट एक टॉपिक आपका जो अराइज हो रहा है ये हमें समझना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंस आपका इन जनरल डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भी है और इनको आप फिर एयर इंडिया से भी लिंक कर सकते हो। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंप्रूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंसेंटिव्स एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ PSU, तो यहां पे आप ये PSU शब्द को हटा सकते हो, तो यहां पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंसेंटिव्स एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज की जा सकती है। फाइनेंसिंग द इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल जो डेफिसिट है उसको फाइनेंस करने में जो पैसा जनरेट होगा वो पैसा फिस्कल डेफिसिट को मीट करने में मदद करेगा। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिफेंस एजुकेशन, और जो पैसा है उस पैसा का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिफेंस एजुकेशन इस पे, क्योंकि जब आप अपना स्टेक बेचते हो तो पैसा आएगा सरकार के पास, उन पैसे का यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जा सकता है और ग्रेटर एफिशिएंसी लाई जा सकती है, ठीक है, और जो कंज्यूमर है उनको रिलीफ लाया जा सकता है ना, उनके पास बेटर चॉइसेस आपके आएंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, सर्विसेज आएंगे। तो ये जो पॉइंट्स है ये बेसिकली रिलेटेड है विद द डिसइन्वेस्टमेंट इन जनरल, जो क्वेश्चन आपका अराइज भी हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इसका कंसर्न्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट फेवर्ड सोशली एज इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस पीपल। अब यहाँ पे ये एयर इंडिया के लिए अगर आप देखोगे तो एयर इंडिया जो हो गया या स्पाइस जेट या मतलब जो भी ट्रैवल करते हैं वो ट्रैवल अगर अगर करते हैं तो उनके पास जरूर, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोई डिसएडवांटेजेस पीपल होते हैं, बट एक रेगुलेशन की ज़रूरत ज़रूर से हो जाती है, ऐसा ना हो कि जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, है ना। तो वहाँ पे उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए सरकार कदम अपने हिसाब से जो DGCA है वो कर सकता है, लेकिन फिर भी डिसइन्वेस्टमेंट इन जनरल अगर आप बात करो तो उसमें यही होता है कि जो सोशली डिसएडवांटेजेस पीपल हैं उनको डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो आपका कम होगा, लॉस मेकिंग यूनिट जो है वो आपका जो कंसर्न है वो अट्रैक्ट नहीं करती है इन्वेस्टमेंट इतनी आसानी से। तो पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीजिंगली बिकम अ टूल टू रेज रिसोर्सेज, ये भी कहा जाता है कि जब आप फिजिकल डेफिसिट मीट नहीं कर पाते हो तो ऐसे ही करके डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा जनरेट करते हो जिससे कि फिजिकल डेफिसिट मीट कर पाए, ठीक है। और प्राइवेट मोनोपोली भी शुरू हो सकती है, अब एयर इंडिया को कोई बाय करता है धीरे धीरे एक ही प्राइवेट सेक्टर अगर आ गया तो फिर उसकी मोनोपोली हो जाएगी, प्राइस जो है वो अपने हिसाब से रखेगा, ये सारी प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि मेयर चेंज ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट डज नॉट इंश्योर हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आपने सिर्फ जो है मतलब ओनरशिप चेंज कर दी, पब्लिक से प्राइवेट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल ही होना है, फिर जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी जॉब का भी क्या होगा, ठीक है। फिर वो बहुत सारे लोग जो एयर इंडिया के इतना स्टाफ है फिर वो भी एक बड़ा इशू होगा कि उसको कैसे कैसे किया जाएगा, ये भी एक बड़ा इशू होगा, तो वो अभी पूरा जो गाइडलाइन आएगा उस पर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट बंगाल असेंबली पासेस रिजोल्यूशन अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट मी नो कि अभी इससे पहले किस स्टेट ने ये काम किया था, हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि इससे पहले किस स्टेट ने काम आपका ये किया था, जो आपका रिजोल्यूशन है वो पास किया था अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और एक आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 131, व्हाट इज़ आर्टिकल 131, ठीक है, व्हाट इज़ आर्टिकल 131 और किन किन मतलब उसमें इसको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 131 और किस में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ये कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को आप जो है आपको रिपील करना है, ठीक है। हमने एक बहुत अच्छा एक टॉपिक डिस्कस किया था और एक ऐसा नया कंसेप्ट पॉलिटी में समझा था, और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं जो कि जो जनरल बुक है आपकी लक्ष्मीकांत और इस सब में कवर भी नहीं होता क्योंकि उनमें तो बेसिक पॉलिटी कवर होती है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्टोरल फेडरलिज्म, उसको उस सेशन को आपको जरूर से देखना चाहिए, इतना एक नया कंसेप्ट जो है वो लेकर सामने आया गया है और उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से लिंक किया गया था। तो उस सेशन में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड इलेक्टोरल फेडरलिज्म, कैसे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कंट्री का उसमें चेंजेस हुए हैं, वन डोमिनेंट पार्टी अगर सेंटर पे है तो स्टेट लेवल पे कैसे जो स्टेट लेवल पार्टीज है वो कैसे एक ओपोजिशन के रूप में काम कर रहे हैं, ये हमने बहुत डिस्कस किया, तो उसको आपको जरूर से देखना चाहिए और क्वेश्चन जरूर मेंस का उसमें फ्रेम हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये कहा गया कि
जो रिजोल्यूशन लेकर आ गया, देखो केरला की मतलब मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो, जो केरला है केरला में जो रिजोल्यूशन जो है वो लेकर आया गया था तो उसमें क्रिटिसाइज किया गया था, यहाँ पे रिपील करने का रिक्वेस्ट किया गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखो एक जो इशू आ जाता है 245 आर्टिकल से 255 आर्टिकल तक का, 245 से ये डिफाइंड करता है लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन होना चाहिए बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन सेंटर और स्टेट। तो आपका इस आर्टिकल्स के अंदर ही स्टेट के लॉस कहाँ तक एप्लीकेबल है, सेंटर के लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल है, सब्जेक्ट कौन कौन से, मतलब जो जो आपकी शेड्यूल 7 है, मतलब जो आपकी लिस्ट है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और ये सब आपका मेंशन है। तो वहीं वो बेसिकली डिफाइन करता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। आर्टिकल 256 भी क्या कहता है कि जो लॉ लेकर आया जाता है उससे रिलेटेड आपका है ना, उससे रिलेटेड आपका डायरेक्शन जारी की जा सकती है, और उस डायरेक्शन मतलब जो लॉ लेकर आएगा उसको इंप्लीमेंट करने की डायरेक्शन जारी किया जा सकता है, ये आर्टिकल 256 कहता है। तो ये जो आर्टिकल 256 कह रहा है कि जो ये इंप्लीमेंट करना है, अगर स्टेट नहीं मानता है तो फिर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, ठीक है। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज जो हैं राइज होते हैं। अभी अगर आप स्टेट देखोगे जो कि ये रिजोल्यूशन लेकर आए हैं, केरला है एक, पंजाब है, राजस्थान है और वेस्ट बंगाल। तो इन तीन स्टेट्स में, राजस्थान पंजाब इन दो में तो आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यहाँ पे सीपीआई की गवर्नमेंट है और यहाँ पे आपकी टीएमसी की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा है कि पहले एक हमने एक सेशन डिस्कस किया था इलेक्टोरल फेडरलिज्म से रिलेटेड, उसको आपको जरूर समझना चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल असम गवर्नमेंट साइंड अकॉर्ड विद बोडो ग्रुप टू रीड्रॉ रीनेम टेरिटरी। अब आई विल क्रिएट अ सेपरेट सेशन ऑन दिस टॉपिक, आज या कल में आई विल क्रिएट अ सेपरेट सेशन, और आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू कि उसको आपको देखना है, क्योंकि हाफ एन आवर का ये सेशन होगा, क्योंकि हमें इसमें डिटेल में बोडो इशू क्या था वो हम शुरुआत करेंगे, सामाजिक लेवल पे और ये सब क्या हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो है, पहले अगर आप देखोगे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस, इस पर एक सेपरेट सेशन भी है, ठीक है। ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस जो है, तो ये ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस हमने डिस्कस किया था, तो ये प्रॉब्लम खत्म हुई। अब एक बोडो इशू, बोडो क्राइसिस भी चल रहा है। अब जो ये एग्रीमेंट लेकर आए हैं है ना, बोडो जो क्राइसिस है, अब ये जो एग्रीमेंट लेके आए हैं अब ये भी खत्म होने जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो क्राइसिस चल रहे हैं है ना, सब ने अपने मिलिटेंट ग्रुप आर्म्ड ग्रुप बना रखे हैं जिससे उस एरिया में विकास ही नहीं हो पा रहा है, और दूसरे जो फॉरेन पावर्स हैं उनका भी इन्फ्लुएंस उस रीजन में बढ़ता जा रहा है, मेनली जो चाइना जैसे जो देश हैं, तो फिर ये बहुत जरूरी, नॉर्थ ईस्ट का विकास अगर हमें करना है तो ये क्राइसिस को ख़त्म करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्राइसिस ख़त्म करोगे, लोग वहाँ जाएंगे, टूरिस्ट तो काफ़ी जा सकते हैं क्योंकि घूमने का बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे, ठीक है, टूरिस्ट है, एग्रीकल्चर डेवलप होगा, लोग जो है यूथ जो है जो आर्म्स पकड़ रहे हैं वो अब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो तभी उस रीजन का विकास होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला कदम आपका है इन क्राइसिस को ख़त्म करना। इसलिए इन क्राइसिस को अगर आप देखोगे एक के बाद एक जो ये इश्यूज हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होते जा रहे हैं, ऑल्दो मीडिया में हम इसको इतना नहीं देखते हैं, बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट या आईएएस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक्स, क्योंकि सरकार ने कदम उठाए हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है जीएस पेपर 3 के अंदर और जीएस 2 के अंदर आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये असम आप देख सकते हो, ये आपका असम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जो असम रीजन है, ठीक है, ये मैप है आपका नॉर्थ ईस्ट का, ये रेड में आपको जो दिख रहा है ये असम है, और ये इधर वाला जो एरिया अगर आप देखोगे ये जो थोड़ा सा एरिया है, ये पूरा इलाका, ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है ये है बोडो लैंड, ठीक है। तो बोडो पीपल, बोडो जो है आप ये कह सकते हो कि जो बोडो पीपल है वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, तो ये बोडो पीपल है, और ये मेनली आपकी यहाँ पे आई थिंक चार कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुरी, ये चार डिस्ट्रिक्ट में आपके ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। कोकराझार, चिराग, बक्सा एंड उदालगिरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, असम गवर्नमेंट एंड बोडो ग्रुप, इन्होंने साइन किया एन एग्रीमेंट टू रीड्रॉ एंड रीनेम द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। तो इसको जो है रीनेम क्या कर दिया गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ठीक है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो यहाँ पे बोडो पीपल हैं, उनकी डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट बोडो हमारे लिए एरिया होना चाहिए, तो उनको दिया भी गया, मतलब इस तरीके से कि वो खुद गवर्न करें अपने उस रीजन को, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट
है ना, इसमें जो बोडो पीपल है वो खुद को गवर्न करें, ठीक है, तो बोडो लैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की गई। अब यहाँ पे ये था कि जो बोडो पीपल है वो इन डिस्ट्रिक्ट के बियॉन्ड भी हैं, कई जो बोडो पीपल हैं इन डिस्ट्रिक्ट के बियॉन्ड भी हैं। और ये क्या है कि जो माइग्रेशन शुरू हुआ था, जो माइग्रेशन आपका हुआ था बांग्लादेश से, है ना, बांग्लादेश से माइग्रेट होके लोग आए थे और रहने लग गए थे, तो जो बोडो पीपल हैं इन्होंने भी काफ़ी इशू राइज किया था, ठीक है, कि वहाँ का सोशल एस्पेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, उनके रिसोर्सेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, और बहुत क्लैशेस हुआ था इस बीच में। इस पर आई विल डिस्कस, आई विल क्रिएट अ सेपरेट सेशन, इस पर हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। लगभग 4000 लोगों की जान गई थी इसमें। तो यहाँ पे जो बोडो पीपल हैं उनसे रिलेटेड भी कई सारे आपके दो मिलिटेंट ग्रुप भी उन्होंने क्रिएट किया, है ना, कि हमें एक सेपरेट बोडो लैंड चाहिए जहाँ पे हम रहें, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एज पर द प्रेजेंट एग्रीमेंट विलेजेस डोमिनेटेड बाय बोडोज, जो बोडोज से विलेजेस जो डोमिनेटेड हैं, जो कि प्रेजेंटली बी टी ए डी के अंदर नहीं काउंट हो रहे थे, बी टी ए डी के अंदर अगर आप देखोगे ये चार डिस्ट्रिक्ट थे, तो ऐसे विलेजेस जो इसके अंदर नहीं थे वो इंक्लूड किए जाएंगे, एंड दोज विथ नॉन बोडो पॉपुलेशन जो है, जो नॉन बोडो पॉपुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट रह रही है, उनको वहाँ से हटाया जाएगा। अब ये भी एक बड़ा कंसर्न है, आप ये समझो इस चीज़ को, कि ये जो बोडो लैंड है और ये इनको गवर्न करने के लिए आपने बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, जिसको बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कह रहे हैं आप, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के विदिन है ना, ऐसे गांव जिस पे बोडो पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको आप जो है इंक्लूड कर रहे हो, और जो नॉन बोडो पीपल हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, जो नॉन बोडो पीपल हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा। इस चीज़ के लिए सरकार एग्री कर गई है ना, इट विल हेल्प टू एंड द बोडो क्राइसिस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि वहाँ पे जब वो हटेंगे, अभी सालों से लोग रह रहे हैं, सडनली आप उनको हटाओगे, कैसे रिहैबिलिटेट करोगे, क्या फाइनेंस उनको प्रोवाइड करोगे, ये सारी चीज़ें, ये भी कंसर्न, कहाँ पे रिहैबिलिटेट करोगे, है ना, छोटे छोटे इश्यूज भी अराइज होते हैं। अभी कोई पढ़ रहा है तो है ना, तो वो फिर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका घर वहीं बना हुआ है, और नॉन बोडो पीपल, तो फिर वो कैसे सरकार टैकल करती है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आपके लाई जाएगी। जैसे कि ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस में हमने डिस्कस किया कि कैसे पैसा देके और प्लॉट उनको ऑफर किया गया, और इस टाइप से कि वो कहीं और सेटल हो सकते हैं, तो ये सारे इश्यूज आपके हैं। तो बोडो लिविंग इन द हिल्स वुड बी ग्रांटेड शेड्यूल्ड हिल्स ट्राइब स्टेटस, अब इन्हें शेड्यूल्ड हिल्स ट्राइब स्टेटस दिया जाएगा। ओवर 1500 आर्म कैडर्स, आप ये खुद इमेजिन करो, 1500 आर्म कैडर है ना, विल एब्जोर वायलेंस। ये एग्री करने के लिए इन्होंने कहा कि अब हम वायलेंस नहीं करें, क्योंकि डिमांड इनकी यही थी, बोडो वर्सेस नॉन बोडो जो डिबेट चल रहा था या फिर ये क्लैश चल रहा था, इसको ये पूरे तरीके से अब खत्म होगी, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब हम जो है वायलेंस का पाथ नहीं अपनाएंगे। अ स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज ₹1500 करोड़ ओवर 3 years विल बी गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू अंडरटेक द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोडो एरिया। बोडो एरिया के डेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे, ये कदम आपके उठाए गए। सेवरल बोडो ग्रुप लेड बाय ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ABSU हैव बीन डिमांडिंग अ सेपरेट लैंड फॉर द एथनिक कम्युनिटी। तो वो पहले से ही डिमांड कर रहे थे, बोडो जो मतलब बोडो पीपल हैं वो डिमांड कर रहे थे, और 1972 से वो डिमांड कर रहे थे, क्योंकि 71 के बांग्लादेश वॉर हुई, मतलब बांग्ला ये जो वॉर हुई थी आपकी 71 वाली, बांग्लादेश बना, फिर वहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर आके रहने लग गए, तब से उसके बाद से डिमांड कर रहे हैं। अब क्या है, टू इंक्रीज द स्कोप एंड पावर ऑफ BTC और जो आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन होगा, एंड टू स्ट्रीमलाइन इट्स फंक्शनिंग, रिजॉल्व इशू रिलेटेड टू बोडो पीपल, ये मेजर इस एग्रीमेंट में पार्ट है। रिसाइडिंग आउटसाइड बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, जो लोग इसके बाहर रह रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के बाहर, BTAD के बाहर है, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट बोडो सोशल कल्चरल लिंग्विस्टिक इथनिक आइडेंटिटीज, उनके सोशल कल्चरल लिंग्विस्टिक इथनिक आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करना, लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन फॉर द लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल्स, उनके मतलब उनको भी अब इस शेड्यूल हिल ट्राइब्स के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लिया, तो अब उनके लैंड राइट्स भी प्रोटेक्ट होंगे, इंश्योर क्विक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड रिहैबिलिटेट मेंबर्स ऑफ NDFB फैक्शंस। तो जो डेवलपमेंट है ट्राइबल एरिया का वो किया जाए और रिहैबिलिटेट किया जाए, ये नेशनल जो ये बोडो फ्रंट है उस है ना जो उनके लिए लड़ रहा था, तो वो उनको भी उनके मेंबर्स को रिहैबिलिटेट किया जाए, तो ये सारे आपके कदम उठाए गए हैं। और उसके बाद
जो नॉन हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है उनको जो है उनको रियायत दी जाएगी। और बोडो टू बी असम्स एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज, और असम की ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में भी बोडो भाषा आपकी आ जाएगी। तो ये जो है आपका एक बड़ा कदम है। अकॉर्ड एंड 34 ईयर्स आर्म्ड एंड डेमोक्रेटिक कैंपेन दैट किल्ड 4,000 पीपल। तो ये अकॉर्ड जो है इसने बोडो, आप ये इमेजिन करो कि बोडो क्राइसिस जो कि 34 साल से आपका चल रहा है वो एक तरीके से अब खत्म हो गई है। तो अभी हमने ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस खत्म कर दिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उसके बाद हमने ये इधर बोडो क्राइसिस जो है इसको खत्म कर दिया। ये एक बड़ा इशू था, 1500 आर्म्ड कैडर बहुत होते हैं। अब ये धीरे धीरे जब ये सारे क्राइसिस खत्म होंगे तो उस रीजन के विकास के लिए अलग अलग कदम उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कॉल फॉर बैन ऑन सरोगेट टोबैको एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे जो एक टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सरोगेट एडवर्टाइजिंग शब्द ये इस आर्टिकल में बहुत इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। तो सरोगेट क्या है कि है ना, जैसे प्रेसिडेंट, एक पहले राजस्थान ने क्या कदम उठाया वो देख लेते हैं। आफ्टर द प्रेसिडेंशियल असेंट टू द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट अमेंडमेंट बिल प्रोहिबिटिंग द ओपनिंग एंड रनिंग ऑफ हुक्का बार इन राजस्थान, है ना, ये कदम मतलब प्रेसिडेंट का भी असेंट इसके लिए इसको मिल गया है। तो ये हुक्का बार एंड ऑल ये आपका बैन होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सरोगेट एडवर्टाइजिंग की जाती है। अब आपने देखा होगा जैसे कई सारी, जैसे ट्यूबॉर्ग का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, या फिर मैं क्या है वो कई सारी चीज़ें होती है आपकी, हाँ, बेगार्डी ब्लास्ट म्यूजिक सीडी, बैक पाइपर क्लब सोडा। अब ये क्या है, ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग है। आप बेचते किसी और प्रोडक्ट को हो, ठीक है, जैसे आप जो अल्कोहल है वो सेल कर रहे हो, बट एडवर्टाइजिंग किसी और प्रोडक्ट की करते हो, लेकिन पर्पज आपका क्या है कि जो आपका वो मेन प्रोडक्ट है जिससे आप पैसा बना रहे हो उसका नाम लोगों तक रहे। ट्यूबॉर्ग जो है, या आपका बेगार्डी ब्लास्ट म्यूजिक सीडी है, बैक पाइपर क्लब है, तो ये क्या है, इनके नाम जो है लोगों तक रहे, ठीक है, किंग फिशर हो गया, इस टाइप के जो नाम है उसको किसी और के थ्रू एडवर्टाइज आपका करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो इसको भी खत्म करने का प्रयास करने की जरूरत है, ठीक है, और इसके इस डायरेक्शन में राजस्थान की सरकार आपकी काम कर रही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग विच इज यूज टू प्रमोट बैंड प्रोडक्ट लाइक सिगरेट अल्कोहल इन द डिस्गाइज ऑफ एनदर प्रोडक्ट। किसी जो प्रोडक्ट बैन किए गए हैं अभी सरकार, राजस्थान सरकार ने बैन कर दिया मान लो, उसके बाद क्या है कि दूसरे मीन के थ्रू उसी उसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाएगा। तो ये क्या होगा, मतलब फिर वो पर्पज आपका सॉल्व नहीं होगा। तो इस सरोगेट एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप देखोगे तो कई सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी, सेलिब्रिटीज जो हैं वो भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। अभी उनका भी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि ना करें, मनी से ज़्यादा दूसरे भी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है उनको। लोकस्ट स्पॉट इन पंजाब एंड हरियाणा विलेजेस बॉर्डरिंग राजस्थान। तो लोकस्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है, ये लोकस्ट है ना। तो ये मेनली क्या है, ग्रॉस हॉपर्स हैं, टिड्डी या टिड्डा इसको हम कहते हैं, और ये काफ़ी समय मतलब काफ़ी दूर तक उड़ सकते हैं। जैसे ये है बेसिकली। तो ये क्या है, ये ऐसे जो प्लांट्स हैं उन पे जाते हैं और फिर पूरा के पूरे जो क्रॉप्स हैं उनको ये डैमेज कर सकते हैं। अभी गुजरात में हमने देखा, अब पंजाब हरियाणा जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ भी ये पहुँच सकते हैं, पंजाब हरियाणा जो है वहाँ भी ये पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, स्पेशली अगर पंजाब में इन्होंने डैमेज किया तो आप ये मानो कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो आपका कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगा, डिमांड आपका हाई है ही, तो फिर सप्लाई डिमांड के बीच में अगर गैप आएगा तो फिर महंगाई होगी, तो फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो इनका इम्पैक्ट देखो ये कितने पावरफुल हैं। इसके बाद क्या है, ये अगर आप इन लोकस्ट की बात करोगे तो ये यहाँ से उड़ते हुए ऐसे, ये इनका रूट है ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, यमन से, ईरान से, पाकिस्तान होते हुए फिर ये गुजरात भी गए, राजस्थान, अब ये इधर पंजाब की तरफ जा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो इनके खिलाफ़ जैसे कदम क्या उठाना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसे इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग किया जा सकता है जिससे कि इनको मारा जा सके। तो जितने इनके नंबर कम होंगे तो रिप्रोडक्शन से कम प्रोड्यूस होंगे और फिर आगे के देशों में कम इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लाने की आपकी ज़रूरत है। तो इस पर भी एक सेपरेट सेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्राइम एंड पॉलिटिक्स। तो ये क्राइम एंड पॉलिटिक्स पर ये एक आर्टिकल आपका आया हुआ है ना। यहाँ पे हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटी से रिलेटेड है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट।
है ना, तो उसमें सेक्शन 8 क्या कहता है वो देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या कहता है, करेंटली अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लॉ मेकर्स कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, है ना, लॉ मेकर्स कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन ओनली आफ्टर देयर कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखते हो 1951 का, ये डिसक्वालीफाई करता है पर्सन कन्विक्टेड विद अ सेंटेंस ऑफ 2 ईयर्स और मोर। अगर 2 साल का सेंटेंस किसी को दिया जाता है या उससे ज़्यादा, तो वो फिर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। बट दोस अंडर ट्रायल कंटिन्यू टू बी एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन, अगर वो 3 महीने के अंदर अपील फाइल कर दे, मान लो उनको कन्विक्ट डिक्लेयर किया, 3 महीने के अंदर उन्होंने अपील फाइल कर दी, तो ये जो है फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकते थे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को ख़त्म किया लिली थॉमस केस के अंदर, लिली थॉमस केस। ठीक है, ये देखो ये हमें थीम दे रहा है, तो ये हमारे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें इसमें मेंशन है कुछ नहीं है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अभी प्रेजेंट अगर इसमें कहा गया है कि अगर अभी इस समय देखोगे प्रेजेंट में, तो 46% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, तो ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो। तो इस वजह से हमारे लिए जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो दैट इज़ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे लिली थॉमस केस, सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के और भी कई सारी चीज़ें, इन 2002 इट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू फाइल एन एफिडेविट बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर डिस्क्लोजिंग क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम। तो ये जब भी इलेक्शन वो लड़ेंगे तो वो अपना रिटर्निंग ऑफिसर को पहले एफिडेविट देंगे जो अगर उनके खिलाफ कोई केस है। द फेमस ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस नोटा, नन ऑफ द अबव, ये भी कोर्ट ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सब आपका रोल है। इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट ऑफ मार्च 2014 सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द अर्जेंट नीड ऑफ क्लिनिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन एंड डायरेक्टेड ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू डिसाइड ऑन केसेस इन्वॉल्विंग लेजिस्लेटर विद इन अ ईयर। तो ये भी कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा केस है, लेजिस्लेटर उसमें इन्वॉल्व है, तो तुरंत उसको डिसीजन दो और गिव रीजन्स फॉर नॉट गोइंग डूइंग सो टू द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप रीजन दो, क्योंकि होता क्या है कि, है ना, तारीख पे तारीख, वो सनी देओल का जो डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो चलता रहता है। तो कोर्ट ने कहा कि ये तारीख पे तारीख नहीं चलेगा, अभी आपको करना क्या है कि जो लेजिस्लेटर अगर क्रिमिनल किसी भी उसमें इन्वॉल्व है ना, तो आप उसका विद इन 1 ईयर पे उसका निपटारा करो। अगर नहीं कर पाते हो तो हाई कोर्ट को बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को लिख के दो कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक रोल है जिससे कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको कम किया जा सके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 8 में आपको ये याद रखना है, लिली थॉमस केस जो है, लिली थॉमस केस ऑफ 2013 वाला, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं लिखी हुई हैं, इसमें तो मेनली वही सारी चीज़ें हैं कि कितने हैं, कितने केसेस पेंडिंग हैं और ये सब चीज़ें, तो वो आपको इतना याद नहीं है, हमारे लिए इतना ज़रूरत भी नहीं है। बट हमारे लिए ये टॉपिक जो ये थीम है, इस थीम के अंदर ये दोनों टॉपिक्स आपके पॉलिटी की जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अ केस ऑफ होल हार्टेड बायोटेक्नोलॉजी अडॉप्टेड, अब ये भी पूरा का पूरा आर्टिकल है। इससे पहले इसका एक आर्टिकल आया हुआ था बीटी कॉटन के ऊपर, तो हमने डिस्कस किया था उसको बहुत डिटेल में। अब क्या है, इस आर्टिकल में उसका रिप्लाई किया हुआ है, तो उस आर्टिकल में एक एक लाइन जो बोला गया था उसी को काउंटर किया गया है। ठीक है, तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, मेनली क्या जीएम क्रॉप की अपॉर्चुनिटी ऑफर दी जा रही है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, फाइनली हमको यही जो याद रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि वो जो आर्टिकल पहले आया हुआ है उसी को काउंटर किया गया है एक एक वर्ड, तो हमने पहले वो ऑलरेडी वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्मॉल फार्म के लिए, है ना, स्मॉल फार्म्स के लिए एक है। अगर जीएम क्रॉप की बात करोगे तो क्या है, प्रोडक्टिविटी हाई होती है, छोटे फार्म एरिया में भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, है ना, जीएम क्रॉप। अच्छा, जीएम क्रॉप का मतलब आई होप सभी को पता होगा, इसमें मेनली जो फॉरेन जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, अलग अलग प्रॉपर्टी, चाहे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो या इनसे जो आप कह सकते हो कि आपका जो इंसेक्टिसाइड की जो प्रॉपर्टी है वो डेवलप हो, है ना, तो आप कह सकते हो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड के रूप में काम करे। जैसे बीटी कॉटन के केस में है कि क्या है, क्राई प्रोटीन जो है प्रोड्यूस होती है, उस क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस जो होती है बीटी कॉटन के अंदर जो बीटी मतलब बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है, उससे एक जीन जो है निकाली जाती है, और ये जो जीन निकाली जाती है उस जीन को बीटी कॉटन के अंदर मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है कल्चर में, फिर उसके बाद नया प्लांट ग्रो किया जाता है। तो जब ये जीन जो कि बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस से ली गई है इस बैक्टीरिया से,
और उसको प्रोड्यूस करके जब प्लांट बनता है तो फिर वो प्लांट क्राई प्रोटीन बनाता है, और वो क्राई प्रोटीन टॉक्सिक होता है बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए। तो उस वजह से ही कॉटन के प्लांट्स को बचाया जा सकता है, दूसरे आपके जो इंसेक्ट्स हैं तो उसके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो ये एक उसका बेनिफिट है। अभी क्या है कि अगर जो फार्म साइज़ है, अगर आपकी छोटी फार्म साइज़ है वहाँ भी आप मैक्सिमम ग्रो कर सकते हो। फिर उसके बाद है हाई यील्ड होगी तो हाई इनकम होगी, एक्सपेंडिचर भी कम हो सकता है, रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, ये कुछ उसमें केसेस है। बट इसका क्रिटिसिज्म भी है कि आपको जैसे बीटी कॉटन के केस में भी आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है तो ये कॉस्ट बढ़ जाता है ना। उसके बाद एनवायरमेंटल बेनिफिट है, तो टॉक्सिक जो केमिकल इनपुट है जो सॉइल का पार्ट बनते हैं वो आपका रिड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होते हैं, और है ना दूसरा क्या है, डीलिंग विथ क्लाइमेट चेंज, आप जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप जीएम क्रॉप बना सकते हो तो क्लाइमेट चेंज को डील करने का मेल जो है वो आपका मतलब वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप है ना, तो मतलब जो टेम्परेचर में बढ़ता जा रहा है और सूखे की स्थिति है तो वहाँ भी वो क्रॉप ग्रो हो सकती हैं। उसके बाद टॉक्सिक केमिकल का लेस एक्सपोजर, लेस पेस्टिसाइड रेसिड्यू, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो चैलेंजेस हैं, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जीएम सीड्स की प्राइजेज जो है वो बहुत हाई होती है, डिलीवरी सिस्टम का शॉर्टेज ऑफ डिलीवरी सिस्टम है, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जीएम क्रॉप के बारे में, जीएम टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी बहुत कम है, और मोनोपोली, जैसे मैंने आपको मोनसेंटो नाम की कंपनी के बारे में बताया था, मोनसेंटो, तो ये जो मोनसेंटो नाम की कंपनी है इसने क्या किया, इसने भी जो सीड्स हैं उनका वो उस मार्केट को इसने पूरे तरीके से उसमें मोनोपोली कर ली थी, ठीक है। इसने क्या किया था, टर्मिनेटर जीन इंट्रोड्यूस कर दी थी, और टर्मिनेटर जीन की वजह से क्या है कि जो जिस सीड को आपने बाय किया उस सीड को आपने ग्रो किया, अब जो ग्रो किया तो उससे जो क्रॉप्स मतलब जो आपके ग्रेन्स ग्रो हुए उनका आप सीड के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, फिर आपको इसकी वजह से क्या है, आपको दोबारा से इनसे सीड खरीदनी पड़ेगी, तो ये इन्होंने ऐसा किया, तो ये इसे मोनोपोली बढ़ती है, ठीक है। और लिमिटेड ग्लोबल मार्केट ड्यू टू ग्रोइंग, मतलब जीएम फूड से रिलेटेड काफ़ी डर भी है, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम है वो उससे इम्पैक्ट होता, तो जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम में जो इन्वॉल्व हैं, जो वहाँ पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट है ना, पूरे तरीके से आपका डिपेंडेंट है, जो आपके जैसे इंडिया में स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स ट्रेडिशनल सिस्टम में डिपेंडेंट है, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम में डिपेंडेंट, तो वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज जीएम क्रॉप्स। तो ये क्या है कि ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है। तो ये जीएम क्रॉप्स भी बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, आप बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स टेक्निक का इस्तेमाल करके जीएम क्रॉप्स डेवलप करते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, और ये किसी तरीके का भी क्वेश्चन है आप इजीली आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं आज का, एंड ऑफ ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस एंड बोडो क्राइसिस विल टेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूवर्ड्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट, डिस्कस। अब देखो दो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है पहले, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो मान लो आप दोनों को टॉपिक आपको पता है, मैप बनाना नहीं भूलना, मैप बनाने की एक टेंडेंसी जरूर डेवलप करो, बोडो एरिया और ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस जैसे त्रिपुरा वाला एरिया शो करो, ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा वाला एरिया शो कर दो, और बोडो एरिया जो है मतलब आपको करना क्या है इसको आसानी से, ठीक है, तो ये आप ऐसे मार्क करके ठीक है, तो आप ये बोडो एरिया और आपका इस एरिया को मार्क करके कर सकते हो, और हमेशा याद रखो जब भी आप बनाओ तो यहाँ पे इस टाइप से बॉक्स बनाओ और यहाँ पे मेंशन करो फिग FIG और क्या है ये वो ज़रूर से शो करो, मतलब लेबलिंग प्रॉपर करनी है, जैसे बोडो कर दिया इस टाइप से, ये आपका लिख दिया ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस इस टाइप से, ये आपको शो करना है, और फिर आपको जो अभी आज हमने डिस्कस किया बोडो क्राइसिस कैसे ख़त्म होगी वो आप पॉइंट्स लिख सकते हो, पहले के सेशन में मैंने आपको ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस जो है वो पढ़ाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो, एक सेपरेट सेशन भी है, अगर आप में से नहीं देखा तो एक अनअकैडमी चैनल पे ही आपका ये रिफ्यूजी क्राइसिस भी है, ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस, तो उसको आप देखो और फिर उससे आंसर को अटेम्प्ट करो, ठीक है। 250 वर्ड्स का है, मतलब बड़ा है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है, दोनों को प्रॉपर आपको देना है कि पहले जैसे ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस ब्रीफ में बता के और इसका इम्पैक्ट, और बोडो क्राइसिस क्या है इसका इम्पैक्ट, और ये क्राइसिस एंड अगर हो मतलब एंड कैसे हुई, जो आपका अभी प्रेजेंट एग्रीमेंट है उसके दो पॉइंट्स, और फिर अगर ये एंड होगी तो कैसे पाथ ऑफ डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, तो वहाँ पे टूरिज्म एंड ऑल, यूथ एम्पावरमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोशन और ये सब चीज़ें आप लिख के
और ऐसे लिख सकते हो। तो इस टाइप से आपको, आप जब भी आंसर लिखो तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हुए, और आइडेंटिफाई कीवर्ड्स आपने कर लिया और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद एलोकेट करो 250 वर्ड्स में, वर्ड्स कितने कितने वर्ड्स कितने टॉपिक्स को, मतलब किस किस कीवर्ड्स को दोगे, उस हिसाब से अपने आंसर लिखना। ऐसा नहीं कि एक में 250 वर्ड्स लिख दिया, क्योंकि आपको लिमिटेड स्पेस मिली है, तो इसलिए सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो आज के सेशन में इतना ही, और जो स्टूडेंट्स लगातार अच्छे आंसर लिख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू, सभी एक एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो। एटलीस्ट जो ये कोर्स है 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स जिसमें कवर किया जाएगा प्रीलिम्स 2020 के लिए, उसको आप ज्वाइन कर लो। ये रेफरल कोड आपको यूज जरूर से करना है, SPLIVE, ठीक है, SPLIVE, ये रेफरल कोड यूज करोगे और इसमें आपको 10% जो है ऑफ हो जाएगा। और मेरे कोर्सेज के अलावा सारे, मतलब पूरे साल के लिए दूसरे कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। SPLIVE जो लिंक है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म का, वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है ये कोर्स को सब्सक्राइब करना है कि एजुकेटर को सब्सक्राइब करना है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे नेटफ्लिक्स में होता है, आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो जितना कुछ आएगा आप सब देख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो पूरा का पूरा जितने भी कोर्सेस हैं आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स लगातार परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा आंसर राइटिंग में, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एटलीस्ट इसका पार्ट बनो, क्योंकि ये प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल है। अगर क्लियर नहीं होता है तो कई बार आपके मन में आता है कि काश ये क्लियर हो जाता तो मैं मेंस जरूर क्वालिफाई कर लेता, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज बेस्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बहुत किताबें पढ़ ली तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, एक अप्रोच की ज़रूरत है। इन सारी अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे और अराउंड 1000 टॉपिक्स आपके कवर होंगे, ठीक है। तो ये 15th February से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं इसकी, 15th February से, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे ज्वाइन भी कर लिया, अगर आपने नहीं किया तो आप जल्द से जल्द करो। थैंक यू एवरीवन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर प्रेस करो, लाइक बटन प्रेस करो जल्दी से, और शेयर जरूर करो, और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी को भी जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।